उस पेड़ विच ही गोलियां चलिया जिदे नाल मौत हो गई। पहले किसी नूं बिना आइडेंटिफाई किए बिना पड़ताल किए किसी नूं बढ़ देना यह सरासर एक धक्का है गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस केस दे विच निर्मलजीत सिंह दी जिहड़ी हैगी आ हर तरीके दे नाल जिहड़ी लीगली सहायता करेगी। अज भी राजपुरा दे विच एक व्यक्ति जिहड़ा हैगा नंगे सिर बूट पा के जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा साहब दे विच एंटर हो गया, यह क्यों हो रहा है? हर एक नूं जिहड़ा हैगा इको गल कह दित्ती जांदी है कि वह शराब पीती भी सी जी, उहदा दिमाग खराब सी। मैं पुछदा कि अपने घर तक कोई अग नहीं ला के आया? अज साडी ड्यूटी लाई गई है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस केस दे विच निर्मलजीत सिंह दी जिहड़ी हैगी आ हर तरीके दे नाल जिहड़ी लीगली सहायता करेगी और निर्मलजीत सिंह नूं इंसाफ दवावांगे, क्योंकि जिहड़ियां घटनावां इस तरह दियां हो रही है इन्हां दे पिछे की कारण हैगे है किसे देखो ना। एक साडे जिहड़ा हैगा सिख धर्म के एक स्थान के जिहड़ी इस तरह की बेअदबी होंदी है, बेअदबी होने तो बाद एक सिख नूं ही जिहड़ा हैगा उसकी बलि चढ़ा दिता जाता है। पिछले टाइमां दे विच भी जदों जदों बेअदबियां हुई हैं, चाहे तुसीं मरिंडे की गल कर लो, चाहे तुसीं होर, अज भी राजपुरा दे विच एक व्यक्ति जिहड़ा हैगा नंगे सिर बूट पा के जिहड़ा हैगा गुरद्वारा साहब दे विच एंटर हो गया, यह क्यों हो रहा है? सरकारां दे फर्ज अज जिहड़े हैगे कित्थे गए हैं? तां मैनूं इह लगदा हैगा कि जे इस तरह दी घटनावां हो रही हैं जिवें उस दिन रोपड़ दे विच भी एक इस तरह की वो घटना वापरी, तो इहदा मतलब तो यह हो गया ना कि लोग अज जिहड़ा हैगा ये महसूस कर लग गए कि साडा धर्म है जिहड़ा वो पुलिस के हत्थां दे विच सुरक्षित नहीं। अज सरकार जिहड़ी हैगी है सिख कौम नूं जिहड़ा हैगा पूरा जिहड़ा इंसाफ नहीं दे रही, बल्कि जिन्नियां बेअदबियां हो रही हैं उन्हां दे विच कौन, हर एक नूं जिहड़ा हैगा इको गल कह दित्ती जांदी है कि वह शराब पीती भी सी जी, उहदा दिमाग खराब सी। मैं पुछदा कि अपने घर तक कोई अग नहीं ला के आया? कोई होर थां दे उत्ते किसी जगह दे उत्ते नहीं बढ़िया? इस जगह दे उत्ते जिहड़ी हैगी है सिख संस्थानां दे उत्ते ही इस तरह की घटनावां क्यों नहीं है? तो यह जिहड़ी हैगी है इस तरह दीआं गल्लां दे विच जदों भी कोई इस तरह की गल होगी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ढिल्लों साहब असी सारे जिहड़े हैगे टीम दे रूप दे विच इन्हां नूं जिहड़ा हैगा कानूनी सहायता देवांगे और एस जी पी सी जिहड़ा हैगा इस दे पिछे जिहड़ी हैगी है पूरा मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी। इस विच इक औरत दरबार साहब दे बिल्कुल नाल लगदा सरोवर साहब है उहदे प्रकरण दे विच शराब पी रही सी, बोतल शराब दी उहदे कोल भी सी, उहदे साडे सेवादार ने उहनूं इस करतों वरजिया कि मर्यादा दे उल्ट है, ये बड़ा पवित्र स्थान है, इत्थे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की असीं। उहदे बोतल उस सेवादार दे मैनेजर दे नाल उह छाता सेवादार भी जख्मी हो गया सी। ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਰਾ पुलिस वाले को पहुंचा, जो पुलिस कार्रवाई है वो जारी है। उस सिलसिले में एक लड़का गिरफ्तार किया गया निर्मलजीत सिंह सैनी, तो असं महसूस करते हैं भी इकट्ठ में गोली किने मारी है ये पता लगाने की गल सी। पहले किसी को बिना आइडेंटिफाई किए बिना पड़ताल किए किसी को बढ़ देना ये सरासर एक धक्का है गया। इस करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केवल सिख नहीं, जे किसी नाल भी किसी धक्का होगा गुरु पातशाह सिद्धांत ही है। इस करके सारिया गुरु साहबान ने एडिया बड़िया शहीदियां दित्तियां, मोला नाल दे लड़ाई दित्ती, खालसा पंथ ने गए लड़ाई भावें जिन्हें भी धक्का मारा गया कानून उसके खिलाफ गुरु साहबान ने खालसा पंथ ने मेरे कड़े। इस करके क्यों तो अजय पड़ताल होनी है, आइडेंटिफाई होना है, ये एस्टैबलिश किया जाना कि आखिर घोड़े की ने मारी की सकते इस तो पहला। इस करके मैं समझते धक्का सेगा
उसके वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना फर्ज अव्वल पहचान दिया होया सरदार अमरजीत सिंह धारमी साहब और ढिल्लों साहब बकेर साहब और बेनती की है कि तुम उन्होंने जरा जो हक जरा वो उन्होंने मारिया ना जाए उन्होंने इंसाफ दवा देता इसलिए अच्छे दो वकील साहबान आए हुए हैं ये जो पालक जरा किया है उस अनुसार कार्रवाई करे। मैं तेगबीर सिंह ढिल्लों एडवोकेट पटियाला हाई कोर्ट के प्रैक्टिस करता बीते दिन जरा वारदात हुई है गुरद्वारा साहब दुखनवार पटियाला सरोवर के लड़का निर्मलजीत सिंह सैनी मैं रीप्रजेंट कर रहा केस ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेजीडेंट एस जी पी सी जेडे अपने धामी साहब ने उन्हों की डायरेक्शन से एस जी पी सी की ड्यूटी लगाई गई सी जिन्ह के आधार पर अज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ते जिमें तो जिमें पहला दसिया फॉर्मर एस जी पी सी प्रेजिडेंट सरदार कृपाल सिंह बडूंगर जी ने ते अपने अमरदीप सिंह धारनी एडवोकेट फ्रॉम द एस जी पी सी साइड ये दोनों ने यही गल रखी है कि साढ़े वालों कोई भी लीगल सहायता की लोड़ है किसी टाइम भी पटियाला कोर्ट के हाई कोर्ट के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के असी मोटे नाल मोटा ला के खड़े हुए हैं इन्हां दी रिकमेंडेशन ते इन्हां दी डायरेक्शन ते इन्हां दी कॉल ते मैं अज इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस विच आया इन्हां ने मैनू बड़ा ही कॉन्फिडेंस लैके मैनू एक कहा भी तुसी अपना केस लड़ो असी एस जी पी सी धामी साहब वल्लों बनाई टीम तुहाडे नाल हर वक्त जदों लोड़ होगी असी खड़ांगे। मैं दिल दीआं गहराइयां चों बहुत बहुत एस जी पी सी दा बडूंगर साहब दा गुरद्वारा साहब दे प्रधान दा सारी मैनेजमेंट दा धारनी साहब दा तय दिलों शुक्रगुजार हाँ।